गाजियाबाद के कविनगर में एक परिवार बिजली विभाग की लापरवाही से दीपावली पर तबाह हो गया। मामला गाजियाबाद के कविनगर थाने की पाश कॉलोनी गोविंदपुरम का है, जहां नेशनल चेस खिलाड़ी राजकुमार परिवार सहित रहते थे। वहीं बिल्डिंग के पास बिजली विभाग का ट्रांसफार्मर लगा है। बीती रात जब राजकुमार कुछ काम कर रहे थे और मजदूर की मदद से छत पर रखे एक सरिये को उतार रहे थे, तभी सरिया ट्रांसफार्मर में लगे हाई वोल्टेज तार से टच हो गया, जिससे उनके करंट लगने से मौत हो गई। वहीं परिवार वालों का आरोप है कि इस दीपावली पर उनके घर की बर्बादी बिजली विभाग ने की है, जिसका कारण खुले में बिना सुरक्षा के लगे ये बिजली विभाग का ट्रांसफार्मर है। मृतक के परिजन इस हादसे का जिम्मेदार बिजली विभाग को बता रहे हैं। पापा ऊपर से सरिया उतार रहे थे नीचे, तो लेबर उसको फेंक रहा था, तो पापा ने नीचे से एंड कैच कर रखा था, दूसरा एंड जाकर ट्रांसफार्मर के एक खुले तार से लग गया, जिससे करंट सरिया के थ्रू पापा के बॉडी में आ गया और फिर पूरा बॉडी का खून जूस गया, पापा ऑन द स्पॉट डेथ हो गया। करंट 11,000 था। बिजली वालों की लापरवाही ने मेरे पति की जान ले ली। बिजली वालों को कभी माफ नहीं करेंगे हम। उस ट्रांसफार्मर की वजह से करंट लग गया उनको। उन लोगों की लापरवाही से आज उनको करंट आज वो नहीं है। हम लोगों को अनाथ कर दिए, अनाथ कर दिया इस बिजली वालों ने। आज वो ट्रांसफार्मर सही रहता तो आज उनका डेथ नहीं होता। उस ट्रांसफार्मर की वजह से उनका डेथ हो गया।